नमस्ते बच्चों, आज हम सातवीं कक्षा का एक नया पाठ पढ़ेंगे पाठ का नाम है रहीम के दोहे जिसमें भारत के भक्तिकालीन कवियों में प्रमुख श्री रहीम के द्वारा रचित कुछ दोहों का अध्ययन करेंगे दो पंक्तियों वाली कविताएं है दोहा प्रस्तुत पाठ में रहीम के द्वारा रचित पांच दोहे दिए गए हैं। रहीम भारत के मशहूर भक्तिकालीन कवियों में एक है उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था वे मुगल सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में एक थे वे अकबर के सेनापति भी थे इसलिए ऐसा माना जाता है कि वे एक ही साथ कलम और तलवार के धनी थे आप पहला दो, दोहा देखिए चिल्ड्रन बिफोर वी गो टू द फर्स्ट दोहा

वो ये है कि हमारे बुरे समय में जो हमारे साथ होते हैं हमारी मदद करते हैं वे है हमारे सच्चे मित्र रहीम ने कहा है कि जब हमारे पास संपत्ति अर्थात धन होता है तब बहुत सारे लोग अनेक प्रकार के रिश्ते बनाकर हमारे साथ रहेंगे लेकिन मुसीबत रूपी कसौटी पर कसने से हम जान सकते हैं कि कौन है हमारे सच्चे मित्र अर्थात जो मुसीबत के समय हमारे काम आते हैं वही है हमारे सच्चे मित्र दैट मीनस थ्रू दिस दोहा रहीम ही गेव वन मैसेज दैट वन हु विल बी देयर विथ अस ड्यूरिंग आवर बैड टाइम सो दे आर आवर बेस्ट फ्रेंड ओके सो रहीम सेट सो वेन वी हैव मनी वेन वी हैव वेल्थ So, then so many people will be there with us. So, so many people will be there with us as our friends, as our relatives, but we can't consider them as our good friends. Okay, so he said that when the bad time comes in our life, then only few people will be there with us, and we can call only those people as our best friend.

प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीम ने कहा है कि हमें ईश्वर से वैसा प्रेम करना चाहिए जैसे मछली जल से करती है रहीम कहता है कि पानी में जाल डालने पर मछली तो जाल में फंस जाती है लेकिन जल बहकर निकल जाता है रहीम ने कहा है कि जल तो मछली से सच्चा प्रेम नहीं करता है इसलिए मछली को छोड़कर कर बह जाता है लेकिन मछली का प्रेम सच्चा प्रेम होते हैं इसलिए वो अपने प्राण ही त्याग देती है वासव में रहीम यह कहता है कि हमें मछली की भांति ईश्वर से सच्चा प्रेम करना चाहिए इट मीन्स थ्रू दिस दोहा रहीम सेट वी हैव टू लव द गॉड लाइक हाउ ए फिश लव्स द वाटर As we all know that if you take a fish from the water, it will die. Actually, it is not because of any love, but it can't take a breath if it takes them from the water. Okay, but Rahim he gave such an interpretation that uh, this fish dies because of its pain. So when we take the fish from the water, then because of that separation, because of the pain of that separation, the fish dies. And he said that uh, it cannot bear that pain because the fish loves the water very much. But water does not like the fish like that. That is why uh, he said that a nikal jata machli And after giving this example, Rahim says that so we the humans we have to love the God in such a way that how the machli लव दौद तेर दो तरवर फल नहीं खात हे सरवर पियत न पान कही रही पर कांच सजही सुजान प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीम ने मनुष्य को यह सलाह दी है कि हमें परोपकारी होना चाहिए क्योंकि इस दुनिया के अच्छे लोग वे है जो परोपकार करते हैं दोहे में रहीम ने अच्छे लोग की तुलना पेड़ और सरोवर के साथ करते हुए कहा है कि जिस प्रकार एक पेड़ अपने फलों को स्वयं नहीं खाता है और सरोवर अपना जल स्वयं नहीं पीता है उसी प्रकार सज्जन अर्थात अच्छे लोग दूसरों के हित के लिए धन जोड़ते हैं दैट मीनस इन दिस दोहा रहीम से इस दान Good people they are like paid or paid tree and sarovar is a pond okay so he compared these good people so Rahim compared the good people with the trees and a pond because he said that uh, in this world if he can call someone as good they are such people who are ready to help others okay and he gave the examples of a tree and a sarovar. लॉड ऑफ फ्रूट्स विल बी देर ए ट्री लेकिन पेड़ क्या नहीं करता है अपने में जो फल होते हैं उस फलों को नहीं खाते हैं दीन्स द ट्रीज़ दे वांट ईट द फ्रूट्स। और सर क्या नहीं करता है अपने में जो पानी होता है उस पानी को नहीं uh, पीता है दीन्स दर ओवर द पॉन्ट विल नॉट ड्रिंक द वॉटर ओके बट दे गिव द फ्रूट एंड वॉटर To others, that means uh, uh, they give it for others, and they, they are doing the uh, paropakar. Paropakar uh, they are helping others. Okay, that means how these people or how the tree and uh, pond help others like that. The good people they are earning money, but they use this money for the welfare of poor people. So uh, those people can be called as good who is willing to help others. ओके दर इज मैसेज गिवन बाय रहीम थ्रू दिस नाउ सी द फोर्थ बादर क्वार के दोहाम रहीम गहरात धनी पुरुष निर्धन भय करे पाचली बात प्रस्तुत दोहे में रहीम ने कहा है कि बीते समय की बातें करने से हमें कोई लाभ नहीं होता है एक उदाहरण देकर रहीम ने कहा है कि आश्विन के महीने में बादल आसमान में उमड़ कर आते हैं लेकिन वे खाली होते हैं अर्थात उन बादलों में सावन के महीने के बादल जैसा पानी नहीं होते हैं इसलिए वे नहीं बरसते हैं उसी प्रकार धनी लोग अगर वे निर्धन हो जाते तो सदा बीते हुए अमीरी की बातें करते रहने से कोई लाभ नहीं होगा it means in this doha rahim he gives such an advice or such a message that we won't get any benefit if we are always thinking about our past so we should be ready to live in our present okay so past is past if you are always thinking about past if you are always talking about our past we won't get any benefit so he gave one example so he said that so we can see the clouds in the sky both in the Ashwin month and Savan month, Ashwin and Savan. So these are the names of uh, months in Hindi calendar. Okay So during that Ashwin month and Savan month we can see the clouds in the sky. but during the Ashwin month, the clouds are empty. That means uh, it won't be full of water, there won't be water in the clouds. That is why we won't get any benefit from those clouds so what benefit we are getting from the cloud so we will be getting uh, rain we will be getting water from the clouds okay but we won't get that benefit during that ashwin month but during the savan savan month is the name of another month in hindi okay so during the savan month okay so we get water from the clouds so this ashwin comes after savan okay so uh, the poet says that if the clouds the clouds we appear in the sky both in the Ashwin and Savan, but we won't get any benefit from those clouds uh, during the Ashwin month. Usi pragar means like that. A amir atmi, Ameer matra, a rich person. Okay, so after he lost everything, he lost his money, he lost his wealth. Okay, so he became a poor man. Okay, after becoming a poor man, if he is always thinking about his good past. If he is always talking about his good past, so he won't get any benefit. He should try to accept that now I have lost everything. Now I am a poor person. Okay. But instead of that, if he is always thinking about the past, he won't get any benefit. That is why uh, Rahim he gave such a message that we should ready to accept our present, our fate. Okay, so we are not supposed to think about the past. Okay. नाउ सी द लास्ट दोहा धरती की सी रीत सी जैसी परेशो परे सो रहीम यह देख प्रस्तुत दोहे में रहीम ने कहा है कि हमें धरती की तरह सहनशील होना चाहिए अर्थात हमारे जीवन में अच्छे दिन और बुरे दिन भी होते हैं लेकिन हमें दोनों को समान रूप से सहना चाहिए जिस प्रकार धरती करती है रहीम ने कहा है कि जिस प्रकार धरती शीत ऋतु की सर्दी ग्रीष्म ऋतु की गर्मी वर्षा ऋतु की बारिश आदि को समान रूप से सहते हैं उसी प्रकार हमें भी सुखों और दुखों को समान रूप से सहना चाहिए दैट दिस दोहा रहीम ही गेवस सच ए मैसेज टू द्यूमन दैट we should be ready to accept both the happiness and sadness equally as the dharti does dharti matlab the earth okay so he gave one example so he said that the earth suffer everything equally Okay, that means a lot of seasons are there, and we know that in different seasons the climates also will be different. Okay, but the earth does not have any complaint. So without any complaint, the earth is ready to suffer all these difficulties. Okay, so in the uh Shitarthu. Shitarthu in the winter season, the extreme cold, and Grishmar means in the summer season, the extreme hot will be there, and the Varshar in the rainy season that uh, continuous rain will be there, but the earth suffer, the earth एवरीथिंग उसी प्रकार हमें भी करना चाहिए ओके, सो वी ऑल्सो शुड डू द सेम सो इन आवर लाइफ ओनली टू टाइम्स विल कम। वन इज गुड टाइम एंड सेकेंड इज़ बैड टाइम ओके बट वी शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट बोथ गुड डेज एंड बैड डेज इक्वली हलाइक हाउ द अर्थ डेट इज द मेसेज गिवन बाई रही दि दो क्लियर